हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल सरमन लेक्चरर। आज का ये वीडियो यूपी बोर्ड परीक्षा टाइम टेबल 2024 के लिए है, ठीक है। आप सभी को पता है कि यूपी बोर्ड ने अपना टाइम टेबल जारी कर दिया है और आज हम आपको बताएंगे यूपी बोर्ड का टाइम टेबल, ठीक है। बहुत सारे स्टूडेंट हमारे पास कमेंट कर रहे थे, सर हमें ये बताइए कि हमारा किस दिन किस डेट को कौन सा पेपर है। तो आज हम आपको बताएंगे आपका किस दिन कौन सा पेपर है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट को कंफ्यूजन रहता है और वो गलत कर देते हैं, ठीक है। जैसे उनको तैयारी करना चाहिए मैथ का तो वो कर लेते हैं सोशल साइंस का, ठीक है, क्योंकि उनको पता सही से नहीं होता। तो आप एक काम करो, जो मैं आपको बता रहा हूं टाइम टेबल, एक कॉपी लो, पेन लो, और जो मैं बता रहा हूं जिस दिन जो पेपर है डेट लिख लो और अपना पेपर लिख लो, ठीक है। और जहां आप सोते हो वहां आप लगा लो, ठीक है, अच्छे से उसको चिपका दो और वहां आप देखो कि हमारा किस दिन कौन सा पेपर है और आप तैयारी करो जम के, ठीक है। तो यूपी बोर्ड परीक्षा टाइम टेबल 2024, जो यूपी बोर्ड का टाइम टेबल है 2024 का, वो मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले देखो, मैं आप लोगों के लिए क्लास 10 का भी टाइम टेबल लाया हूं, जो बच्चे क्लास 10 में है, अगर आप क्लास 12th में हो तो आपका भी टाइम टेबल है बगल में, ठीक है। तो दोनों का हम लोग डिस्कस करेंगे, ध्यान से देखना, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सबसे पहले जो क्लास 10 के बच्चे हैं वो क्या करें कि सुबह 8:30 से लेकर 11:45 तक उनका पेपर होगा। कब तक होगा? 8:30 से लेकर, यानी कि मॉर्निंग में उनका पेपर होता है, ठीक है, जो क्लास 10th के बच्चे होते हैं। और जो क्लास 12th के बच्चे होते हैं वो शाम को, यानी कि शाम को 2:00 से 5:15 तक पेपर होगा, यानी कि 3 घंटे 15 मिनट का समय रहता है। और जो क्लास 10th के बच्चों को टाइम रहता है वो 8:30 से 11:45 तक, क्लास 12th के बच्चों को 2:00 से 5:15 तक उनका पेपर होगा, यानी कि 5:00 से 15 मिनट तक, ठीक है। अब देखो, सबसे पहले क्लास 10th के बच्चों का जो 22 फरवरी को पहला पेपर है वो हिंदी का है, ठीक है, यानी कि 22 फरवरी को जो पेपर है वो हिंदी का है। क्लास 10th के बच्चों का पहला पेपर क्या है? हिंदी का। उसी दिन क्लास 12th के बच्चों का भी हिंदी का है, ठीक है, चाहे वो सामान्य हिंदी हो चाहे वो साहित्यिक हिंदी हो, ठीक है। 22 फरवरी को है हिंदी का पेपर, क्लास 10th का भी और क्लास 12th का भी, तो ये तो बिल्कुल सेम है, ठीक है। फिर अगला पेपर है देखो 27 फरवरी को गणित का, क्लास 10 में जो है वो 27 फरवरी को, ध्यान से देखो, 22 के बाद आपको बहुत ज्यादा गैप मिला है, 5 दिन का गैप है, यानी कि 5 डेज का, और डायरेक्टली 27 को आपका पेपर है गणित का, ठीक है, गणित का। और जो क्लास 12th के बच्चे हैं उनका है 29 फरवरी को, यानी कि बहुत ही ज्यादा गैप है, ठीक है, यानी कि 5 दिन का, यानी कि बहुत ही ज्यादा गैप है, ठीक है, 7 दिन का गैप है। कितने दिन का? 7 दिन का गैप। तो बहुत अच्छे से तैयारी कर सकते हो, गणित का है और बायोलॉजी का, चाहे आपका गणित का पेपर, जो बच्चे गणित लिए हो गणित का और बायोलॉजी का, ठीक है, तो आप थोड़ा सा जो है इस पर थोड़ा सा कम फोकस करो, क्योंकि इसके आपके बहुत टाइम है, चाहो तो आप सारा खत्म कर सकते हो। तो जिसमें ज्यादा टाइम है ना, उस पेपर में थोड़ा सा आप कम भी फोकस कर सकते हो, क्योंकि भाई जिसमें आपका 1 दिन का गैप है, जिसमें आपका 9, 7, 7, 8, 8 दिन का गैप है, तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा तो प्रॉब्लम हो सकता है। 28 तारीख को है फरवरी को, 28 फरवरी को है भैया संस्कृत का पेपर, तो वो जो बच्चे गणित और संस्कृत का है 28 फरवरी को, ठीक है, तो गणित का तुरंत ही संस्कृत का। अब देखो संस्कृत में गैप ही नहीं है, अब आप गैप नहीं है तो पढ़ोगे नहीं तो कैसे पेपर दोगे, ठीक है। एंड अब देखो इसमें 12th में 2 मार्च को है अंग्रेजी का पेपर, ठीक है, 2 मार्च को क्या है? अंग्रेजी का पेपर। तो मतलब 29 को फिर डायरेक्टली 2 को, यानी कि केवल 1 तारीख को छुट्टी है, बस 2 तारीख को 2 बजे आपको जाना है पेपर देने। हाँ, एक बात समझ लो कि आपको 8:30 बजे पेपर होगा, तो आप वहां 7 बजे पहले दिन पहुंच जाना, क्योंकि आपको हो सकता है सीट ढूंढने में, रूल नंबर ढूंढने में, एंड स्कूल को थोड़ा सर्च करने में थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है, तो आप थोड़ा पहले दिन जल्दी जाना फिर अपने टाइम से, ठीक है। तो ये हमारा देखो 28 को क्या है संस्कृत का, और यहां 2 मार्च को अंग्रेजी का पेपर है, तो अंग्रेजी अभी से पढ़ना शुरू कर दो, क्योंकि बहुत कम गैप है क्लास 12th वालों, ठीक है। अब देखो 29 तारीख को विज्ञान के बच्चों, क्लास 10th के, पढ़ना शुरू कर दो विज्ञान, क्योंकि 1 ही दिन का गैप है 28 का। अगर संस्कृत वाले बच्चे हैं भैया तो उनको तो 1 भी दिन का गैप नहीं मिला है, तो कहीं ना कहीं ये थोड़ा सा गड़बड़ किए हैं, ठीक है, किसी में 5 दिन का 8 दिन का गैप है, किसी में 1 भी दिन का गैप नहीं है, टाइम टेबल देख सकते हो, ठीक है, तो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है ये आप लोगों के लिए। एंड तो आपको 29 तारीख को विज्ञान का है, तो विज्ञान अभी से पढ़ना शुरू कर दो, क्योंकि गैप ही नहीं है, तो भाई अभी से पढ़ो,
ठीक है, अभी से आप तैयार कर लो, एक दिन का गैप है केवल, आप उसमें क्या कर लोगे, कुछ नहीं कर पाओगे, बस दिन निकल जाएगा, छोटा छोटा दिन होता है। 4 मार्च को है भौतिक विज्ञान का क्लास 12th में, 4 मार्च को जो है भौतिक विज्ञान का पेपर है क्लास 12th में, ठीक है। तो 12th वालों एक दिन का गैप है केवल, ठीक है, केवल आपका 3 तारीख को नहीं है, फिर 4 तारीख को डायरेक्टली भौतिक विज्ञान, इतना हार्ड पेपर में एक दिन का गैप आप सोच सकते हो, ठीक है। तो कहीं ना कहीं इसमें थोड़ा सा और गैप देना चाहिए, ठीक है। अगला देखो, 4 मार्च, देखो यहां आपका 4 मार्च को है क्लास 10th में अंग्रेजी का पेपर, तो इसमें आपको गैप मिला है काफी अच्छा 4 दिन का। तो आपका 4 मार्च को है अंग्रेजी का पेपर, और अंग्रेजी का पेपर आप लोग अच्छे से पढ़ो ताकि आप लोगों का, और जो भैया आपके क्लास 12th का लास्ट पेपर है 7 मार्च को रसायन विज्ञान का, तो इसमें आपका 3 दिन का गैप है, चलो अच्छा है, ठीक है। तो 7 मार्च को लास्ट पेपर है रसायन विज्ञान का क्लास 12th वालों का, एंड क्लास 10th वालों का 5 मार्च को है गृह विज्ञान। देखो जो लड़कियां हैं जो गृह विज्ञान ली हुई हैं उनका मॉर्निंग में पेपर है, ध्यान से समझो, और जो बच्चे हैं कोई कंप्यूटर लिया हुआ है तो उनका शाम को पेपर है 2 बजे से, ठीक है, तो वो ध्यान रखना थोड़ा सा, ठीक है। फिर 6 मार्च को चित्रकला का पेपर है माय डियर स्टूडेंट, चित्रकला 6 मार्च को, तो अच्छा है आप लोगों का चित्रकला। फिर डायरेक्टली 7 मार्च को यार थोड़ा सा गैप देना चाहिए, ऐसा टाइम टेबल थोड़ा सा गलत बना दिए, ठीक है, तो वो थोड़ा सा गैप देना चाहिए। अब डायरेक्टली एक भी दिन का गैप नहीं है, सामाजिक विज्ञान का पेपर है, एक भी दिन का गैप नहीं है, कहीं ना कहीं सामाजिक विज्ञान थोड़ा सा हार्ड भी है, ठीक है। तो आप लोग देख लो क्लास 10th क्लास 12th वालों, देखो क्लास 10th का मैं एक बार और बता देता हूं, 12th वालों आप देख लो, 5 पेपर हैं आप लोगों का क्लास 10th का। देखो 22 फरवरी को हिंदी का पेपर है, 27 फरवरी को यानी कि काफी ज्यादा गैप है गणित का, चलो गणित में सही है, 28 को संस्कृत का, 29 को विज्ञान का, इसमें 3 दिन का गैप करके इसमें थोड़ा गैप दे देते तो ज्यादा अच्छा रहता, विज्ञान हार्ड सब्जेक्ट है। फिर 4 को अंग्रेजी है, 5 को गृह विज्ञान या फिर कंप्यूटर जो भी बच्चे, 6 को है चित्रकला, और 7 को है सामाजिक विज्ञान का पेपर। तो यूपी बोर्ड 2024 बोर्ड का टाइम टेबल मैंने आप लोगों को बता दिया, इसको लिख कर चिपका लो और इसको आप देखते रहो, ठीक है, और पेपर जिस दिन आएगा वो आप लोग पेपर देने जाना। और क्लास 10th में हो तो पूरी सब्जेक्ट की तैयारी लगातार कराई जा रही है, चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो क्योंकि सारे सब्जेक्ट की तैयारी कराई जा रही है। तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करना, जो बच्चे कमेंट कर रहे थे सर टाइम टेबल पर वीडियो बनाइए, तो आप देख लो और इसको शेयर कर देना अपने फ्रेंड्स के साथ। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।